नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और मैं भी हूं मैदान में। कार्यक्रम लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं वार्ड 9 से निर्दलीय प्रत्याशी परविंदर सिंह, जिन्होंने जो एक युवा भी हैं और जिन्होंने क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में रहते हुए लगातार समाज की सेवा भी करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताया है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन करने के बाद क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे हैं और पार्षदी का एक सपना दिखाया। देखना होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा जताएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले क्षेत्र में विकास कार्य क्या हुए हैं और किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, उसी को लेकर आज हमारे साथ में मौजूद है परविंदर जी। परविंदर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में किस तरह की प्रॉब्लम है अभी भी। मेरे क्षेत्र में इस समय गलियां बहुत ज्यादा टूटी हुई है और गंदगी इतनी ज्यादा है नालियों में, जो कि लोग रोज ही शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं। जैसे मुझे मानते हुए प्रकार मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं। और पानी की दिक्कत इतनी ज्यादा है कि आदमी वहां का पानी पीने लायक ही नहीं है, यहाँ तक कि बाल्टियां भी पीली पड़ जाती हैं। पानी की तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाई। अच्छा, जीतने के बाद में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जीतने के बाद मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं उन लोगों की समस्याओं को दूर करूं, और जो पानी की व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है उस पर तो मेरा बहुत बहुत ज्यादा प्रयास रहेगा कि मैं समस्या को जल्दी जल्दी और अच्छा से अच्छा वहाँ पानी की व्यवस्था करवाऊँ। क्या कोई विकास के मुद्दे आपने चुने हैं कि उन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं अपने क्षेत्र में घर घर जाकर संपर्क में लोगों से गया, और जो हमारे क्षेत्र में मानसरो कॉलोनी है वहाँ मैं गया। वहाँ लोगों ने दिखाया कि यहाँ पार्क है, पार्क में इतनी ज्यादा गंदगी है, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आता जो अपने समय चलते जो वहाँ पर पार्षद हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, और गंदगी इतनी ज्यादा है कि वो लोग दिक्कत में है। अब उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया, जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझसे समस्या सुनाई और मैंने उनसे कहा ठीक है, अगर मैं जीता तो आपकी समस्या को जरूर दूर करूंगा। क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीदें रहती हैं और किस तरह का रिस्पांस मिला है? क्षेत्र की जनता से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और उनका मुझे सहयोग मिला, और तो मैं जरूर उनकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा और भारी मतों से विजयी होऊंगा। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लग रहा है और किस तरह का प्यार, क्या रिएक्शन रहता है जनता का? मैं अगर क्षेत्र में पहुंचता हूँ जनता का रिएक्शन ऐसा रहता है जब कोई बहुत पुराना उनका घुल मिल गया हो, और मेरी सारी खुशियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि लोग मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं। अच्छा, एक युवा होने के नाते कहीं ना कहीं उन युवाओं से भी कुछ अपील रहेगी? जी, मेरी सभी युवाओं से अपील है कि सभी एजुकेटेड हैं और मैं भी एजुकेटेड हूँ, और वो देखें और देखकर ही अपने क्षेत्र के पार्षद को चुने। जी, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? और भी लोग हैं, उनसे क्या कहेंगे? मेरे क्षेत्र की जनता से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो मुझे भारी मतों से विजय बनाए और अपना कीमती वोट मुझे दें। तो थे हमारे साथ में परविंदर जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं, क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताया है, विकास के मुद्दों को क्षेत्र की जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा जताएगी और क्षेत्र की जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया।